आज की बड़ी खबर, दिल्ली से जहां ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि से दिल्ली पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने टूलकिट को न केवल एडिट किया था बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अलग अलग जगहों पर उसे दिशा शेयर भी कर रही थी। पुलिस ने साफ किया है कि दिशा रवि ने ही टूल किट ग्रेटा थनबर्ग से शेयर किया, लेकिन जब दिशा को महसूस हुआ कि कई संवेदनशील बातें सामने आ गई हैं, तो उसे डिलीट करने के लिए कहा गया। और इस पूरी प्रक्रिया में सभी खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से भी जुड़े थे। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि दिशा ने सिर्फ दो लाइन एडिट की हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिशा ने कई बार टूल किट को एडिट किया था। झुका हुआ चेहरा, आसपास पुलिस का घेरा और मीडिया के सवालों से बचती ये है दिशा रवि। 21 साल की दिशा रवि रिमांड पर है जहां पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी है। दिशा रवि पर आरोप संगीन है जिसके तार इंटरनेशनल साजिश से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को नॉर्थ बेंगलुरु से गिरफ्तार किया जिसके बाद रविवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। दिशा रवि बेंगलुरु में क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें टूल किट मामले में गिरफ्तार किया है। टूल किट मामले में केस दर्ज होने के बाद दिशा रवि वो पहली शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है। दिशा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बैक टू बैक कई ट्वीट्स किए और इन ट्वीट्स में पुलिस ने बताया कि दिशा रवि पर क्या आरोप है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके दावा किया है कि दिशा रवि ने ही उस टूल किट को एडिट किया था जिससे एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग के साथ टूल किट शेयर किया था। ग्रेटा ने टूल किट हटाया तो दिशा रवि ने एडिट करके उसे दोबारा भेजा। टूल किट को फैलाने में भी दिशा रवि ने मुख्य भूमिका निभाई। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर टूल किट को शेयर किया। दिशा रवि ने काम खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिलकर किए। इस पूरी साजिश का मकसद देश में असंतोष फैलाना था। पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने कबूल किया कि उसने टूल किट को केवल 2 बार एडिट किया, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिशा ने 2 नहीं बल्कि कई बार टूल किट एडिट की। कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिशा रवि इस टूल किट डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने वाले लोगों के संपर्क में थी। इतना ही नहीं, दिशा रवि ने इस टूल किट डॉक्यूमेंट को एडिट भी किया और स्प्रेड भी किया, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि दिशा रवि ने बकायदा इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। अब दिल्ली पुलिस की साइबर पैड इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। साथ ही साथ दिशा रवि के जो इक्विपमेंट्स है जैसे लैपटॉप या मोबाइल फोन, उनकी भी जांच की जा रही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर अराजकता हुई। इस अराजकता के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए गए। इन्हीं में से एक था ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट। इन ट्वीट्स के साथ ग्रेटा ने गूगल का एक टूल किट भी ट्वीट किया, हालांकि बाद में उसे डिलीट कर दिया। पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने ही ग्रेटा थनबर्ग से उस टूल किट वाले ट्वीट को डिलीट करने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद 4 फरवरी को टूल किट मामले में केस दर्ज किया। इसी टूल किट मामले में दिशा रवि की पहली गिरफ्तारी हुई। पुलिस का कहना है कि दिशा रवि ने 3 फरवरी को टूल किट एडिट किया। पुलिस ने दिशा रवि का फोन बरामद कर लिया है, लेकिन उसके डेटा को पहले ही डिलीट किया जा चुका है। 26 जनवरी हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को एक FIR दर्ज की थी। दरअसल यह FIR ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद दर्ज की गई। ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट डॉक्यूमेंट एक अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जिसके बाद जांच के लिए टीमें गठित की गई और इस मामले की जांच साइबर पैड यूनिट को सौंप दी गई, जिस